लेकिन ये अल्लाह का कर्म है कि वो इखलास वाले छोटे से अमल से भी राजी हो जाते हैं। फरमाया वइदुआनु मिनल्लाहि अकबर। नंबर दो, ये जो मैंने आयत पढ़ी, आयत के आखिरी हिस्से में जिस चीज को अल्लाह बड़ा करार दे रहे हैं, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। इस पर तो चूंकि हम देर से गुफ्तगू करने वाले हैं, तो आमाल में या अकवाल में जो आदमी बोल रहा है इसमें भी सिंसियरिटी की जरूरत है, वरना अगर सिंसियरिटी ना रहे तो बैठे बैठे बोलने से आदमी के आमाल बेकार हो जाते। एक साहब एक हाजी साहब की मुलाकात के लिए गए। हाजी साहब ने अपने बच्चे से कहा कि तीसरे हज में से हम जो लाए थे जमजम का पानी वो इनको पिला। तो आने वाले मेहमान ने कहा कि आपने तो एक जुमले में तीन हज का सब सवाब खत्म कर डाला, क्योंकि आप तो बताना चाहते हैं कि मैं इससे पहले तीन हज जो है वो कर चुका हूं। सहाबा किराम का मामला यह था कि कभी उनको अपने आमाल अगर जाहिर भी करने पड़ते थे तो बहुत ज्यादा इस्तेफार करते थे बाद में। हदीस शरीफ में सरीयतुल अंबर का तस्करा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता भेजा था और वो तिजारती काफले के ताकुब में भेजा था, लेकिन समंदर के किनारे से होता हुआ वो काफला जा रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 आदमियों का दस्ता भेजा था। अब रास्ते में जो तोशा था उनके पास वो बिल्कुल खत्म हो गया, तो पूछा कि फिर क्या करते थे। का एक एक खजूर सबको तकसीम होती थी, 300 आदमी को एक एक खजूर मिलती थी दिन में। तो पूछने वाले ने पूछा कि एक खजूर से क्या होता होगा। फरमाया एक खजूर की कदर तो उस वक्त हुई जबकि वो भी ना रही। नेमत होती है तो आदमी कदर नहीं कर पाता। कदर नेमत बाद सवाल, जब नेमत चली जाती है तो फिर उसके जवाब के बाद आदमी जो है उसको याद करता है। जो हमारे मशायख और बुजुर्गान दिन चले गए, अब हम उनकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन जब वो थे तो उनकी कदर नहीं। अब अफसोस करते हैं, अब कफे अफसोस बनने से क्या फायदा। यही हाल रमजान मुबारक का भी है, क्या अभी हमारे हाथ में है तो नहीं कर पा रहे हैं हम कुछ। अब जब शव्वाल का चांद नजर आएगा तो फिर रोना शुरू करेंगे कि हाय वो महीना चला गया। तो अभी है तो इसको कैश करना चाहिए, जितना हो सके इसकी कदर कर लेना चाहिए। और कदर का मतलब क्या है, जो अमल कहे गए हैं करने के लिए उनको करना चाहिए। आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है ये रमजान में किए जाने वाले आमाल की तर्जुमान है। कल जो वाकया मैं जिक्र कर रहा था उसमें एक बात ये कही थी कि सहाबी जो है उन्होंने कहा एक कारिय कुरान से पूछा जाएगा, एक मुवल्लिग दीन से पूछा जाएगा, एक दारिय दीन से पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास इल्मे दीन आया था तो तुमने इसकी क्या कदर की, क्या किया तुमने इससे काम। अल्लाह ताला के यहां कुछ सवाल होने वाले हैं, उन सवाल में से एक सवाल यह है कि हमने तुमको लाइफ ऑफर किया था तो तुमने वो लाइफ से क्या फायदा उठाया।
जिंदगी दी थी तो जिंदगी से क्या फायदा उठाया तुमने? ये हम जो समझते हैं ना कि जिंदगी हमारी है, हमारी नहीं है ये जिंदगी, देने वाले ने दी है जिंदगी हमें। जिंदगी के मालिक अल्लाह, न हम अपनी बॉडी के मालिक हैं, न ये जिंदगी के हम मालिक हैं। अपने इख्तियार से हम आते तो मालिक होते, न हम अपने इख्तियार से आते न अपने इख्तियार से जाते हैं। न आना हमारे इख्तियार में है, न दुनिया से जाना हमारे इख्तियार में। देखिए अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लाह ताला की जात वो है कि जिसने हयात को भी पैदा किया है और मौत को भी पैदा किया है। चुनांचे जब आखिरत में लोगों का हिसाब पूरा हो जाएगा, फाइनल डेस्टिनेशन तय हो जाएगा कि अब जो जन्नत में गए जन्नत से नहीं निकलना है, और जो जहन्नम में है उनकी अब कोई सिफारिश नहीं और वो जहन्नम से नहीं निकलने वाले हैं। जब इतना फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा, जजमेंट दे दिया जाएगा, उसके बाद जो है ऐलान होगा कि भाई मौत को लाया जाए। तो मौत जो है वो एक दुम्बे की शक्ल में जिसके ऊपर सफेद और काले पट्टे होंगे, उसको पुल सिरात के पास लाया जाएगा और हुक्म होगा कि इसको लेटाकर ज़बह करो। लोगों से पूछा जाएगा कि जानते हो ये क्या है? लोग कहेंगे जी हमको मालूम है ये मौत है। अब मौत ही को ज़बह कर दिया। मौत को ज़बह कर देने के बाद ऐलान होगा क्या, जन्नतियों जन्नत में आराम से रहो, अब मौत का कोई डर नहीं। दुनिया में इंसान कितने भी शानदार इमारतें बना ले और कितनी भी बॉडी बना ले और कितनी भी शानदार जिंदगी गुजार ले, लेकिन उसको सबसे बड़ा खटका अगर कुछ ना रहे मौत का है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत ثم إلينا ترجعون। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो भी सांस लेने वाला मुतनफ्फिस दुनिया में आया है इसका दुनिया से जाना थे। हकीम मुख्तार साहब का शेर, ये इकामत हमें पहलवान सफर देती है और जिंदगी मौत के आने की खबर देती है। जब जिंदगी आई है इसलिए जब पैदा होने वाले बच्चे को लेकर खुश होते हैं माँ बाप तो फरिश्ता ऐलान करता है, लिदुल मौत वबनु लिल खराबी। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं होने दो, लेकिन एक दिन जैसे गोद में उठाया है अभी तुमने, एक दिन जनाजे में उठाएंगे और फिर जाकर के वहां कब्रिस्तान छोड़ाएंगे, फिर वहां से वो मुर्दा वापस नहीं आता, दफनाने वाले छोड़कर वापस आ जाते हैं। قليل عمرنا في دار الدنيا ومرجعنا الى بيت التراب। फरमाते दुनिया की जिंदगी बहुत महदूद बहुत लिमिटेड है, लेकिन कौन सी चीजों ने इसको इतनी बड़ी करके बदलाई है? फरमाते हमारी तमन्नाएं हमारी डिजायर हमारी विशेष इसने जिंदगी को बड़ा तवील करके बताया है हमें, वरना ये जिंदगी बहुत छोटी है। अल्लाह फरमाते कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका व
एक बादशाह ने किसी अल्लाह वाले को अपने मुल्क का कुछ हिस्सा देना तय किया कि मैं तुझे जो है खानकानी निजाम चलाने के लिए तुम्हारे मुतवस्सिलीन के वास्ते इतनी मेरी जमीन जागीर देता हूं। उन्होंने शुक्रिया के साथ वापस कर दी, नहीं चाहिए। क्यों वापस कर रहे हैं? फरमाया अल्लाह ताला पूरी दुनिया और कायनात की जितनी मता और सामान है उसको फरमाते हैं कलील, वेरी लिटल। वो लिटल में से तुझे अल्लाह ने दिया है लिटल, और फिर तेरे पास जो लिटल है उसमें से तू मुझे लिटल देना चाहता है, तो मुझे ये थोड़ा नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट अल्लाह से क्यों ना ले लूं। फरमाते कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील। अल्लाह वाले फरमाते हैं अपनी उम्मीदों को कम रख, अपनी विशेष जो है उनको कम रखो। एक अल्लाह वाले से पूछा कि हमने और जन्नत में डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, कितने साल चलना पड़ेगा तो हम जन्नत तक पहुंच सकते हैं। अड़ी अजीब बात बयान करते हैं, फरमाया कि सिर्फ दो कदमों का फासला है। पहला कदम तो रखते हैं विशीज और डिजायर के ऊपर, और दूसरा कदम जन्नत के अंदर रखते हैं। अपनी ख्वाहिशात अगर काबू में आ जाए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। आदमी अपनी ख्वाहिश को अगर कंट्रोल में कर ले तो वो कामयाब है इस दुनिया में। आज जितनी हमारी परेशानियां हैं उसका असली अगर सबक तलाश किया जाए और असली वजह तलाश की जाए तो वो ख्वाहिशात का लंबा होना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं فَطَابَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूले अमल यानी तमन्नाओं को लंबा मत करो वरना तुम्हारी जिंदगी तल्ख हो जाएगी और आमाल सालेहा में बिल्कुल दिल नहीं लगेगा, न तिलावत में दिल लगेगा न इबादत में दिल लगेगा, क्योंकि अंदर से उठने वाली तमन्ना की वो हवा तुम्हारी तिलावत को भी खत्म कर देगी और तुम्हें इबादत से उठा के वही तमन्ना की तकमील के अंदर लगा देगी। तुम्हें कह रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी जो बयान फरमाई किताब व सुन्नत में वो इसका फना हो जाना है। देखिए अल्लाह ताला एक जगह कुरान करीम में फर्क दोनों का और दोनों के दरमियान जो है कंपेयर कर रहे हैं। फरमाया बल तुज़िरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, और दूसरी जगह फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुन वअबका। दुनिया बहुत थोड़ी दिन की है, इंसान मेहनत करता है, जवानी तमाम लगा देता है कि बुढ़ापे में हमें आप आराम से खाऊंगा, तो बुढ़ापे में तरह तरह के अमराज आके उसको खाने नहीं देते और उसको कब्र की तरफ ले जाते हैं। पूरी जिंदगी इंसान मेहनत करता है इस उम्मीद के साथ कि जब दो पैसे मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आराम से रिलैक्स हो जाऊंगा और फिर ये जो कमाया है इसमें से खाता रहूंगा। लेकिन जब वो दिन आते हैं खाने के तो अमराज भी ऐसे आ जाते हैं कि खाने से ही मजबूर हो जाते। ये इंसान की जिंदगी का हाल है। इसलिए नबियों में से एक नबी से किसी ने पूछा था कि दुनिया की अगर आपको कोई खराबी नजर आती है तो वो क्या हो सकती है? ये दुनिया बड़ी हसीन भी मालूम होती है, अब दुनिया खदीरतुन हुलवतुन फरमाया,
ये दुनिया बजाहिर जो है बहुत हरियाली है, बहुत जो है स्वीट भी है, तो फिर इसमें खराबी क्या है और कहां है? उन्होंने फरमाया सबसे बड़ी खराबी इसकी यह है कि ये बाकी रहने वाली नहीं है, फना हो जाने वाली है। और आखिरत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वहां की जिंदगी लाफानी है, कभी खत्म होने वाली नहीं। यह सबसे बड़ी नमत। यह बात मैं इस पर अर्ज कर रहा था और एक बात और समझे, दुनिया में जितनी भी खुशियां आती हैं वो खुशियां किसी गम पर जाकर खत्म हो जाती हैं। कितनी भी खुशी आप देख लें लेकिन उसका एंड जो है वो यही है, गम पे जाकर खत्म होगी। मसलन ईद के दिन का इंतजार है लोगों को, रमजान का तो इतना ही करते लोग इंतजार, रमजान को रुखसत करने के चक्कर में रहते हैं और गिनना भी शुरू करेगा तो यूं नहीं कहेगा कि रमजान के इतने दिन रह गए, यूं कहता है कि अब ईद के अंदर इतने दिन बाकी है। और पहली रमजान का चांद नजर आए वहां से जो है ईद का खाका जहन में इतना होता है कि बाजारों में गश्त करती हुई खवातीन बस उनकी नजर जो है वो कपड़ों पर और चीजों पर रहती है कि उस वक्त हमको क्या करना है, अभी क्या करना है इसकी फिक्र नहीं। असल तो इस रमजान का इकराम करना है, जो मेहमान आ गया है पहले उसका तो इकराम कीजिए, उसका तो अदब कीजिए, उसको तो जरा दीजिए उसके हुकूक। वरना आप जानते हैं कि मेहमान के साथ अगर बंबई के मेहमान की तरह मामला किया तो जल्दी रास्ते सफर बांध देता है वो। एक मेहमान गया था बेचारा बंबई तो मेजबान बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, एक तो छोटा सा घर चूल्हा पलंग के नीचे रखते हैं, खुद ऊपर सोते हैं, एक आदमी बाहर सोता है एक अंदर सोता है, और ये मेहमान आ गए तो देहात से आए थे वो, तो अच्छी बड़ी जगह से आए थे, तो मेजबान ने पूछा कि कब तक तैयार रहेगा, फरमाया कि 8 दिन तो कम से कम अपने गांव का रिवाज है उसके मुताबिक ठहरूंगा। बहुत टेंशन में आ गए तो उन्होंने पूछा मेहमान ने कि आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गए मेरे आने से, फरमाया नहीं बस वहां जाएंगे तो ज्यादा मुझे समझ में बात आएगी। तो हमने रमजान का इकराम जैसा करना चाहिए ऐसा करते नहीं भाई, अब जैसा मेहमान होगा उसका इकराम भी उसी के मुताबिक होगा। तादारे मदीना जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ, ये तो बात से बात निकलती, सामने से एक आदमी नजर आया आता हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरगोशी के पहलू और लहजे में फरमाया ये कौन का अच्छा आदमी नहीं है, लोग डरते हैं घबराते हैं इससे, ये अच्छा आदमी नहीं, बद अखलाक आदमी है, बदतमीज किस्म का है। वैसे सरकार के अखलाक की बुलंदियों में यह है कि जब सहाबा किराम के साथ यहूद आते थे तो सहाबा तो कहते थे अस्सलाम अलैकुम, लेकिन वो जालिम जो हैं वो सरकार को बददुआ देते थे और लफ्ज़े सलाम की जगह साम कहते थे, बीच में से एक लाम निकालने से माना बिल्कुल बदल जाता है, सलामती के माना पीस के आते हैं और साम के माना मौत के आते हैं, अस्सलाम अलैकुम यूं कहते थे और हुजूर सुनते थे लेकिन जवाब में कुछ नहीं फरमाते थे, वालेकुम कहते थे, वालेकुम से आगे नहीं बढ़ते थे। एक दिन सरकार तशरीफ फरमाते हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास और वो यहूद आए और उन्होंने यही जो है जबान को गोल करके अस्सलामु अलैक कहा, फौरन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने डांट डपट और लान तान भरना शुरू किया कि तुम्हारे ऊपर लानत हो, तुम्हारे ऊपर मौत हो, तुम्हारे ऊपर फिटकार हो, तुम्हारे ऊपर खुदा की मार हो। औरतों में तो ये जज्बा होता है, माफ भी कर सकती हैं और इंतकामी कार्रवाई भी अच्छी करती हैं। तो ये कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा नहीं किया आयशा तुमने, अच्छा नहीं किया। हुजूर सुना वो क्या कह रहे थे, अलैहिस्सलाम बिल्लाह आपकी जिंदगी अल्लाह ने भी फरमाया, आपकी जिंदगी में आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, मैं सुन सकूं ये?
आपको मौत की बद्दुआ कर रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामने वाला कितना भी बुरा हो जाए लेकिन तुम अपना अखलाकी पहलू मत छोड़ना, वो बुरा हो जाए तुम बुरे मत होना। तो उसको क्या कहना चाहिए? फरमा तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैंने जवाब दे दिया। वो कहते हैं सलाम आल अस्सलाम वाले, मैं जवाब में कहता हूं अलैकुम, तुमने मेरे लिए मौत मांगी तो ये तुम ही नसीब हो गए तुम। अब ये बताओ कि नबी की सुनेंगे अल्लाह के जालिमों की सुनेंगे? मेरी तो सुनेंगे अल्लाह और मुझे इज्जत देंगे और इनकी जिल्लत और इनकी रिसवाई तय है। अब जब देखा ये फारसी के शायर ने अच्छी बात कही, दोस्ताना कुजा कुनी महरूम, दोस्ताना कुजा कुनी महरूम, तू के बाद दुश्मना नजर दाई। जब दुश्मनों के साथ तेरा रियायतों का ये मामला है तो तू दोस्तों को कभी महरूम कर सकता है? तो अपना को महरूम कर सकता है? शनीदम के मर्दान ने रागे खुदा, दिले दुश्मना हम न कर दंद तंग, तो आके मयसर शवल ही मकान के पास दोस्तान जिला फस्तो जंग। अल्लाह अल्लाह, शेर साथी रहमतुल्लाह अलैह तन्हा आदमी है लेकिन पूरी अकेडमी जो काम कर सकती है, पूरी दुनिया के तजुर्बा जमा करके गुलिस्तान के अंदर जमा किए और अंग्रेजों के यहां जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने फोन किया और पूछा कि भाई कितनी बड़ी अकेडमी होगी जिसने इतनी एक्सपीरियंस की और इतनी इंपॉर्टेंट एडवाइसेस लिखी हैं और इतने अच्छे अंदाज में लिखी हैं। फरमाया एक आदमी था, एक आदमी जिसने ये काम किया है। कहते एक आदमी इतना काम कर सकता है? हमारे मशायत ऐसे रहे हैं, अहलुल्ला ऐसे रहे हैं कि एक जमात पूरी जो काम करे वो तने तना करते थे। हजरत मौलाना कासिमुल उलूम नानौती रहमतुल्लाह अलैह ने जो दारुल उलूम की बुनियाद रखी, आज पूरे आलम में दारुल उलूम के अबना है। एक बड़ी अकेडमी मिलकर ये काम कर सकती थी, वो काम तने तना कर दिया मौलाना। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो मेहनत उठाई और बंगले वाली में किस मेहनत के साथ और किस कुर्बानी और सेक्रीफाइस के साथ अल्लाह के बंदों को जोड़ देते, वो बेवाती जो आते थे ना, वो मजदूरियां करने के लिए आते थे, मुलाजमत करने के लिए आते थे। तो जब वो मस्जिद में आते थे तो उनको पूछते थे कि तुझे शाम तक मजदूरी क्या मिलेगी? तो वो कहता था कि इतने पैसे मिलेंगे। तो फरमाया कि तुझे 10 पैसे मिलेंगे शाम तक मजदूरी करने में, तो मैं तुझे जो है 20 पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अल्लाह के वास्ते यहां बैठकर मेरे पास कुरान शरीफ पढ़ ले, दीन सीख ले। अपने जेब का पैसा खर्च किया, रात को चल रहे थे अपने छोटे से बरामदे में तो अहलिया मुहतरमा ने कहा क्यों रात को आराम नहीं करते और क्यों बेचैनी के साथ इधर से उधर गश्त करते हैं, क्यों इतनी फिक्र में डूबे हुए हैं, क्या फिक्र है आपको? बड़ा अजीब जवाब दिया कि वो फिक्र जो उम्मत के सिलसिले में मुझे लग गई है, अगर वो फिक्र तुझे नसीब हो जाए पूरी जिंदगी गुजरी नहीं आई। लेकिन इतनी कुर्बानियों के साथ जो काम उठाया, अपना सब कुछ लगाकर उम्मत को और अल्लाह के बंदों को दीन सिखाने की जो मेहनत की, आज पूरे आलम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये काम फैला है। सब इस्लामी काम, अपने आप को बनाने की मेहनत, अखलाक इंसान में कैसे आ जाए ये उसकी मेहनत। फरमाते शनीदम के मर्दान रागे खुदा, दिले दुश्मन आगम न कर दंद तंग। अल्लाह वालों का आलम यह रहा है कि उन्होंने दुश्मनों की भी दिलजोइयां की, दुश्मन का भी दिल ना दुख जाए इसकी फिक्र की। शेख साजी सवाल करते हैं कि तुझे यह मकाम कैसे हासिल हो सकता है, मकबूलियत का और मर्जाइयत का यह मकाम तुझे कैसे मिलेगा और तू लोगों का मंजूर नजर कैसे होगा जबकि तेरी अपनों से नहीं बनती, जो अपने हैं उनसे तेरी नहीं बन पाती,
तो दुश्मनों के साथ तो क्या सुलूक कर सकता है, इसके लिए तो इतना बड़ा सीना चाहिए जैसा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वसी जर अता फरमाया और फरमाया अखलाक किसको कहते हैं, अखलाक असल में दिल की सफाई करना, दिल में जितने रजाए हैं जितनी बुरी चीजें हैं हसद है कीना है कपट है बुग्ज है ये तमाम चीजें निकल जाएं और दिल जो है साफ सुथरा हो जाए। हजरत वाला थानवी रहमतुल्लाह अलैह जरा तशरीफ ले गए थे बयान फरमा रहे थे, वहां एक और समझदार पढ़ा लिखा वकील था वो खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने फारसी में एक शेर कहा, इतना बेहतरीन बयान कर रहे हैं बातें दिल से छन छन के आ रही हैं, ऐसी छन छनाई हुई बातें कहां से बयान कर रहे हैं आप, तू मुनव्वर अज कमाने किसकी, तू मुजम्मल अज जमाने किसकी। सवाल किया कि तेरे दिल को ऐसा मुनव्वर किसने कर दिया कि तेरी जबान से जो बातें निकल रही है उससे नूर छन छन प्यार आए और ऐसी जमाल वाली बातें तेरे पुर जमाल दिल से निकल रही है, तेरे दिल को इतना जमाल वाला किसने बना दिया। तो फौरन जवाब दिया, दोहराने बयान जवाब दे रहे क्या कहते, मन मुकम्मल अल कमाल हानियम, मन मुजम्मल अल जमाल हानियम, मुझे कामिल बनाया है तो मेरे कामिल शेख ने बनाया है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैठा तो उसने मुझे कमाल वाला बना दिया और ये जो जमाल बना रहा है ये उस जमाल का पड़ता है जो मेरे शेख कोई तरह से मुझे मिला हुआ है, यह असल में शेख के जमाल का पड़ताव देख रहा है। फरमान हो जाए हमारे मशायख पर, एक एक फर्द ऐसा तैयार किया, एक एक फर्द ऐसा तैयार किया कि पूरी जमात को लेकर चलने वाला, एक आदमी को उम्मत कहा है पुराने करीम ने, एक शख्सियत को उम्मत कहा पुराने करीम ने। जो पूरी उम्मत मिलकर इत्तेबा करे अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी करे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी का आलम यह है कि पूरी उम्मत की फरमाबरदारी एक तरफ रख दो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी एक तरफ रख दी है, उम्मत के कायम मकाम में ये लोग, वैसे तो अंबिया किराम के मकाम की बहुत ज्यादा आलीशान है, इसलिए वो शख्स जिसने काबतुल्लाह के साए में रात के अंधेरे में सरकार को खत्म करने का प्लान बनाया था, जब वो मजलिस में आ गया तो वही की रोशनी में सरकार को बता दिया गया कि छुपा हुआ जहरीला खंजर लेकर आपका काम तमाम करने के लिए आया है, मजलिस को बर्खास्त कर दिया, उसे करीब कर लिया कि अब तू खंजर आजमा जो लेकर आया है और मैं जिगर आजमाऊं तू खंजर आजमा है। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं, फरमाया मुझे वही की रोशनी में बताया गया रात के अंधेरे में जो फैसला तुम लोगों ने और जो साजिश की अल्लाह ने मुझे आगाह किया है, अब अगर दिल की बड़ास निकालना चाहते हो तो खंजर नजर आ रहा है वार कर लीजिए। देखा कि एक रंगो हाथों पकड़ा गया, खंजर निकालकर सामने डाल दिया और हुजूर ने पूछा कि बताओ अब क्या किया जाए, उसने कहा मैं तो गर्दन सजा नहीं हूं, मुझे मार डाला जाए, कत्ल कर दिया जाए, मुझे कैद कर दिया जाए, मुझे प्रिजन में डाल दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम इस तरह से लोगों को कत्ल नहीं करते, अखलाक का नमूना पेश करेंगे माफ करते हैं तुम्हें। इसलिए फरमाया وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, और बेचारा हुदू का शायद ही तो ये कहता है जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे,
उसे और क्या नाम देगा जमाना, ये रहमत नहीं गए तो फिर और क्या गए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे हुए शख्स के बारे में फरमाया, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से के पुरानी कौम का अच्छा आदमी नहीं। इंसान तो वो होता है जिससे उच्च पैदा हो, जिसको देखकर मोहब्बत पैदा हो जाए, जिससे मिलने को जी जाए, जिससे ताल्लुक बढ़ाने का शौक पैदा हो जाए, यह होता है इंसान। असल में इंसान इसी उंस से बना हुआ है, तो मुलाकात से मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। जब वो करीब आ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इस्तकबाल किया और बाखैर मकदम किया, इकराम किया, उसके साथ अच्छी बात की, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई, खंदा पेशानी से पेश आए सरकार। थोड़ी देर के बाद वो अपना काम निपटा कर चला गया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, कभी कभी इनके सवालात से हमारे इश्काल दूर हो, सवाल उन्होंने किया, इश्काल हमारा दूर हुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन जब कब्र से लोग निकलेंगे तो बड़ा अजीब और गरीब मंजर होगा, न जिस्म पर लिबास होगा, न पैर में जूते होंगे, न सर पर कोई टोपी का निजाम होगा, और फरमाते हैं गैर मख्तून माशर की तरफ रवाना होंगे, इन्नकुम महशूरून यौमल क़ियामति हुफातन उरातन गुर्ला। सुनने को तो सबने ये मज़मून सुन लिया, लेकिन सुनने सुनने वालों में भी फर्क पड़ता है। जैसा कि सरकार ने फरमाया कि मेरी बातें पहुंचाना, क्यों रूपा मुबल्लिगिन अव आमिन सामिइन, जो सुनिए हमने बात उससे जिसको पहुंचा रहे हैं वो बड़ा जबरदस्त समझ वाला और अकल वाला होता है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे अपने उस्ताद की मजलिस के अंदर, आकर एक खातून ने सवाल किया, जवाब नहीं दिया, तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम में आपके इल्म ही से जो मैंने सीखा है जवाब दे दो इन्हें। फरमाया इजाजत है, बिल्कुल जवाब दे दो, इसको मुतमईन करो। जवाब दे दिया तो उस्ताद मोहतरम ने सवाल किया कि इमाम तुमने ये जवाब कहां से दिया, कहां से ये इल्म हासिल किया। फरमाया असल में आपकी ने जो हदीस पढ़ाई उसी में से नतीजा निकाल कर मैंने इसके सामने ये मसला बयान किया। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कही, फुकहा की जमात, हम मुहद्दिसीन की जमात से तुम ले गए सब पर इस बिना पर कि हम अत्तार हैं और तुम तबीब हो। अत्तार किसको कहते हैं? अत्तार कहते हैं दवा फरोश को, जो मेडिकल स्टोर और फार्मासिस्ट होता है वो तो बहुत कुछ जानता है, लेकिन जो अक्सर हमारे यहां के मेडिकल में बैठने वाले हैं उनको दवा में क्या क्या कमालात हैं और किन किन बीमारियों के लिए दी जाए वो पता नहीं होता। डॉक्टर लिख के देता है, वो देखते हैं और निकाल कर वो दवाई दे देते हैं। फरमाते हैं तबीब वो होता है जो मर्ज को दी जाने वाली दवा को और इलाज के फलसफे को भी खूब जानता है। फरमाया कि हमने तो ला करके तुम्हारे सामने हदीसें रख दी, लेकिन तुम तबीब हो, तुम इसके डॉक्टर हो, तुमने अंदर से निकाल करके वो चीज जो है पेश कर दी, तो सुनने वालों में और सुनने वालों में फर्क होता है, जिन्हें सुनाया जाता है उनमें फर्क होता है। कहने वाला कह देता है, कभी देखा है कि सुनने वालों ने अजीब अजीब नतायज उसके जरिए से निकाले हैं। इसलिए सरकार ने फरमाया पहुंचाने जाओ मेरे दीन की बात, कौन अल्लाह का बंदा ऐसा होगा कि तुम्हारी हुई पहुंचाई हुई बात से बहुत ज्यादा फायदा जो है वो अंदर से नतायज निकाल कर लोगों तक पहुंचा सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया कि आयशा ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है तुम्हारी,
ये बात तुम्हारी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो निहायत बद अखलाक और बदतमीज किस्म का इंसान था, लेकिन मैंने उसके साथ अच्छा सलूक किया। क्यों? इस बिना पर कि बद अखलाक वो है, मैं नहीं। وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ قرآن کریم ضابطوں کا نام ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ قرآن کریم کے ضابطوں پر اگر ہماری زندگیاں گزرتی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی کا بدلہ برائی کے ذریعے سے نہیں دیا جائے گا، گالی کا جواب گالی نہیں، تماچو کا جواب تماچو سے نہیں دیا جائے گا۔ وہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے گالیاں دی اور جنہوں نے پتھر برسائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے اور عفو درگزر کے اور اخلاق کے پھولوں پر برسائے، بلکہ گالیاں دینے والوں کے لیے بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر دی۔ تو برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے چاہیے حوصلہ۔ اس لیے پوچھا تھا سرکار کو اخلاق کیا ہے، اخلاق، تو کتنا عجیب و غریب جواب دیا، اور یہ شان نبی ہے کہ ایسا جواب دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا سلمن پتا، جو تیرے ساتھ پتا رنگی کرے اس کے ساتھ سلا رنگی کرنا، جو رشتے توڑنے پر آیا ہوا ہو اس کے ساتھ رشتے جوڑنا، جو محبت رکھنا ہی نہیں چاہتا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنا، یہ تو بڑے دل مرنے کی کام، بڑی مصیبت، بڑی محنت اور مشقت، بڑا مزہ آ رہا ہے اس میں۔ لیکن اسی پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، دل پر جو بوجھ پڑتا ہے جتنا، تو جتنا دل پر بوجھ پڑے گا اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق جو ہے اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ عبادتوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے، صبح میں بوجھ پڑتا ہے طبیعت پر نماز پڑھنے میں، تو صبح میں نماز کا اجر بھی اتنا بڑا کر دیا، رات کو بوجھ پڑتا ہے طبیعت پر، فرمایا امت کے خواص میں سے ہے، اور عشاء کی نماز یہ سرکار کو ملی ہے اور نبیوں کو چار نمازیں ملی، تو سرکار کو عشاء کی نماز ملی۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الاقوال و تراجم میں تعریف فرمایا، عشاء کی نماز یہ امت کی خصوصیات میں سے ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصات میں سے ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو فجر کی نماز ملی ہے، تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز جو ہے وہ ادا کی گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا لو يعلمون ما في العدم والصف الاول لا توهما ولو اروا، رواه البخاری۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی، اگر لوگوں کو پہلے صف کی فضیلت کے پہلی صف میں نماز پڑھنے پر کیا ملتا ہے، اگر اس کی اندازہ ہو جائے، اس کا پتہ چل جائے، تو لوگ قرآن اندازی کریں گے، بلو اب کہتے ہیں دور دور میں آئیں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، اور لست ہم اور کریں گے مسابقت ایک دوسرے پر، قرآن اندازی کریں گے کہ مجھے کسی طرح سے یہ موقع مل جائے۔ اور عشاء کی نماز میں کیا فضیلت ہے یہ اگر معلوم ہو جائے، تو اس کے لیے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور روایت ساتھ کی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی، لو یعلمون ما فی النداء والصف الاول، وہاں دو لفظ استعمال فرمائے، لو یعلمون ما فی النداء، اذان کہنے میں کیا فضیلت ہے، لو یعلمون ما فی النداء، اذان میں کیا فضیلت ہے، یعنی اذان کے کہنے میں کیا فضیلت ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر جو ہے ہمارے مؤذن صاحب کے ساتھ لین میں کئی لوگ ہوں گے جو یوں کہیں گے کہ ایک چانس ہم کو بھی دیا جائے۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اذان کہنے والے کے لیے، اور اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بارے میں عجیب دعا فرمائی اور مؤذنین کے لیے عجیب دعا فرمائی، فرمایا اللہم ارشد الائمہ، اے العالمین ہمارے ائمہ کو رشد و ہدایت کا سر چشمہ بنا دے۔ اور ہمارے حضرت والا غزوہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ابھی سنائی ہمارے حضرت معتمد صاحب نے،
कि वो फरमाते थे एक दुआ हमेशा किया था, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युन व जअलना लिल मुत्तकीना इमामा। ऐ इलाह अलआलमीन, हमें औलाद ऐसी दीजिए, हमें अहफाद ऐसी दीजिए, हमारी ज़ुर्रियत ऐसी हो कि जो हमारी आंखों की ठंडक हो जाए, उनके कारनामे हमारे दिल को ठंडा करें, उनकी नकल व हरकत हमारी इज्जत को बढ़ाने वाली हो, उनके कामों से हमारे दिल को सुकून हो, हमारी आंखों को ठंडक नसीब हो, उनकी जिंदगियों को देखकर, उनकी सुन्नतों पर अमल को देखकर, उनकी इत्तेबाए सुन्नत को देखकर, उनके अहकाम खुदाबंदी की इताअत को देखकर हमारा दिल ठंडा हो जाए, हमारी आंखें ठंडी हो जाए, यह ऐसी औलाद दीजिए। और आगे फरमाया वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बनाए। जाहिरी बात है कि जब औलाद इतनी मुत्तकी होगी तो अब बाप जो होगा वो जो मुत्तकियों का इमाम ही तो बनेगा, ये इतने ऊंचे मरतबे और मकाम पर पहुंचेगा। फरमाते अल्लाह हमें मुत्तकियों में बड़ा तकवा वाला और इमाम मुत्तकियों का बना दे। ये बात जिम्मी तौर पर मैं आज कर रहा था, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कितना बेहतरीन जवाब दिया है सरकारे मदीना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के बद अखलाक होने से हम अपने अखलाक को न बिगाड़े, बल्कि अपनी अखलाक की बुलंदियों का असर सामने वाले के बुरे अखलाक पर पड़े, कि वो बुरे अखलाक वाला हमारे अच्छे अखलाक से इंप्रेस होकर अपनी जिंदगी तब्दील करने पर मजबूर। इसलिए कुरान करीम में क्या कहा, वइना कद तुम फातिमु बिमिथलि मा उकिबतुम बि वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के दरबार में मौजूद, और एक आदमी आया और उसने आकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत बुरा भला कहना शुरू किया। सरकार की तशरीफ रखते हैं, वो बुरा भला कहता चला जा रहा है, सरकार तशरीफ फरमाए, मुस्कुरा रहे, तो बर्दाश्त करने के लिए खड़े हो गए। एक हद तक बर्दाश्त किया, जैसे एक शोहर की आदत थी कि बीवी को हमेशा जहां वो कुछ बोले तो यही कहता था कि तने हम जा नहीं पड़ता, नहीं बोला, बोलने ही नहीं देता था, जहां कुछ बोले तेरे को क्या समझ में आता है कि तू बोलती है बीवी। चंद दिनों तक ये सिलसिला रहा, एक दिन आ गया बीवी को गुस्सा, तो उसने भी जवाब बड़ा जबरदस्त दे दिया। उसने कहा हां मुझे समझ में नहीं आता था, इसलिए तो ये पांच बच्चे पैदा हुए, कोई भी चीज में मुझे कुछ समझ में आता नहीं है तो कोई बात है। खैर, तो अब जब बर्दाश्त की ताब न रही तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जरा सीधे हुए जवाब देने के लिए कि जो खराबियां तू मेरी बयान कर रहा है हकीकत में ये खराबियां तेरे अंदर मौजूद है, लेकिन ये है कि मैं बोलता नहीं हूं और तुझे जो है लसान है बोल रहा है, मैं एहतराम रसूल में बैठा हूं और तू जबान दराज है कि बोलता चला जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली कंधे पर डाली और उठकर चलना शुरू किया, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु बेकरार हो गए, बेचैनी के साथ उठे, सरकार का दामन थाम लिया और फरमाया कसम खाकर अर्ज करता हूं अल्लाह के रसूल, जब तक वो बुरा भला कहता रहा आप मुस्कुरा कर सुनते रहे, और जहां मैंने जवाब देने की तैयारी शुरू किया आपने उठकर चलना शुरू कर दिया, क्या वजह है बयान फरमा दीजिए, बदगुमान नहीं हूं लेकिन तहकीक हाल चाहता हूं कि आखिर ये शक्ल क्यों इख्तियार की गई, जबकि आप मुझे चाहते हैं और इतना चाहते हैं कि मेरा कसूर हो और आपके दरबार में बात आए तो जो लेके आए उसको आप डालते हैं कि हजरत अबू बकर के बारे में मुझे तकलीफ ना पहुंचाए, क्यों फरमाते हैं आप, और आज जबकि वो जुल्म सितम की बाढ़ लगा के बैठा हुआ था और लगातार
वो तीनों रास्ता चला रहा था तो आप बैठ रहे, और जब मैंने जवाब देने की कोशिश की तो आप उल्टा चलने लगे। फरमाया जब तक तुमने जवाब नहीं दिया था फरिश्ता तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, लेकिन जब तुमने जवाब की तैयारी की तो फरिश्ते ने भी चलने की तैयारी कर ली। जब मैंने देखा कि फरिश्ता क्या रहा है तो मैं तो उसकी वजह से बैठा हुआ था ना, वो जवाब दे रहा था, मैं सुन के मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब तुमने जवाब देने की तैयारी की क्योंकि तुम बर्दाश्त कर रहे हैं तो अल्लाह तुम्हारी नुसरत फरमा रहे थे, मदद फरमा रहे थे। जब तुमने अपना मदद का मामला बंद करना चाहा, अपनी तरफ से जवाब देना शुरू किया, अल्लाह की मदद का दरवाजा बंद होने लगा, फरिश्ता जाने लगा, मैं तो उसके लिए बैठा था इस बिना पर, जब वो चलने लगा तो मैंने भी चलना शुरू कर दिया। तो अल्लाह की मदद ऐसे लोगों के साथ आती है जो सब्र और तहम्मुल के पहाड़ हो, बर्दाश्त के पहाड़ हो। हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भरी मजलिस में किसी ने कहा, सुना है कि हजरत आपके हराम आती है, ऐसा किसी को कहते तो कितना गुस्सा उस पर आ जाएगा। सुना है कि आप हरामी हैं, अलैहि बिल्ला हमारी जबान पर तो ऐसा लफ्ज भी नहीं आता। हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया आपको जरा गलतफहमी हुई है, मेरे वालिदैन के निकाह के जो गवाह और वकील हैं फलां गांव के अंदर अभी हयात है। इसका जवाब भी इतनी संजीदगी के साथ दिया। तो बात असल में मेरी आज शुरू ही नहीं हो सकी, और उसकी वजह यह थी कि हम पहली बात जो है उसमें ये तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि इखलास जो है किसी भी अमल के अंदर अमल को वजनी बनाता है, और इखलास कम हो तो अमल बेवजन हो जाता है और ना काबिल कबूल रहता है अल्लाह ताला के यहां। इसके जिम्मन में एक बात मैंने अर्ज की थी कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो फिर हमेशा का जो ऐलान करना है वो वहां अल्लाह ताला फरमाएंगे, और ऐलान होगा ए जन्नतियों जन्नत में हमेशा रहो, मौत का कोई खटका नहीं तुम्हें, और जहन्नमियों से कहा जाएगा अब भुगतते रहो, तुम अब मरकर अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। जन्नतियों के लिए इससे बड़ी खुशी का कोई पैगाम नहीं जो मौत के खत्म होने के बाद आएगा, और जहन्नमियों के लिए इससे बढ़कर गम का कोई सामान नहीं कि जब देखेंगे कि पहले तो मौत की तो ये सोचते हैं कि भाई अब तो अगर कुछ न रहा परेशान रहे बर्दाश्त कर गए तो मर जाएंगे, लेकिन ये तो मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, ये मसले पर आकर खड़े हुए। अल्लाह ताला हमें जो है अपनी उखरवी जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए, जो आमाल है वो करने की सआदत बख्शे, और जो अय्याम चल रहे हैं इसके लैल और नहार से भरपूर इस्तेफादे की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما برتانیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اپنے ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پوری زندگی کے واسطے جا گزین کر دے اے اللہ نیکیوں کی سعادت اور نیکیوں سے عشق عطا فرما دے اے الہ العالمین مقیمات کی قدر نصیب فرما دن رات تلاوت کا ذوق عطا فرما ذکر اللہ کی سعادت عطا فرما اے اللہ روزے کو محفوظ رکھنے کی سعادت سے بہراور فرما اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو ٹوٹے پھوٹے اعمال شروع کیے ہیں اللہ اس میں استقامت دے دے دوام دے دے اللہ اسے اپنے فضل سے قبول فرما دے اللہ جو داد و دہیش کریں گے تیرے راستے میں دیں گے اللہ اسے قبول فرما دے اے اللہ دعائیں اپنے فضل کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین